हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय किचन। आज हम माइक्रोवेव में अरबी उबालेंगे। इससे पहले कि मैं अपने चैनल में आपको आलू उबालना माइक्रोवेव में बता चुकी हूँ, वो भी पॉलिथीन में। अब मैं आपको ये इडली मेकर जो माइक्रोवेव में मिलता है हमारे को, उसमें आलू या आप आलू भी उबाल सकते हैं, और मैं आज आपको अरबी उबालना सिखा रही हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये आधा किलो अरबी है, एक ही साइज़ की है। आप छोटी अरबी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और इसके लिए हमें चाहिए आधा कप से कम पानी, थोड़े डालेंगे। और ये जो हमारे पास स्टीमर है वो चाहिए। इसमें देखिए ऐसा ही कप है, एक ऐसा होता है, हम इडली स्टैंड रखते हैं उसके ऊपर। ये जो नीचे रखेंगे हम, उसमें पहले थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी पाएंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा। ये देखिए बस आधा कप था, तो आधे से भी आधा डाला। अब ये हमारे पास जो अरबी है, ये जो हमारे पास स्टैंड है, ये हम इसको इसमें रख देंगे, फिट कर देंगे, और अपनी अरबी एक एक करके इधर रख देंगे हम। ये इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे, अरबी पे डिपेंड करता है। अगर मोटी है तो उसको 10 मिनट भी लग सकते हैं स्टीम होते हुए। पहले हम इसको 5 मिनट रखेंगे, फिर हम इसको 3 मिनट रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये मैं आपको अरेंज करके दिखाती हूँ, ये सारी अरेंज हो गई है। ये देखिए थोड़ा आधा कप से कम पानी डाला, और ये आधा किलो अरबी डालेंगे। आप इस तरह के पॉलिथीन में भी इसको आप पॉलिथीन में भी इसको उबाल सकते हैं। जैसे हमने आलू पहले उबाले थे, उसमें तो हम कांटे से पिक करके आलू को, मोटे होते हैं हमारे। आप ऐसे इसको बीच में रख के, ऐसे रख के, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। जैसे ये हमने रखी है अरबी, तो इसमें हम थोड़े से पानी के छींटे दे देंगे, थोड़ा सा गीला कर लेंगे पानी को, और हम इसको होल सेम को ऐसे फोल्ड करके, मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, मैं तो इसमें इसको, अब ये ऐसे हमने इसमें इसको पैक कर लिया। अब हम इसको कांटे से प्रिक कर लेंगे पॉलिथीन को। इसको 7 से 8 मिनट ही लगेंगे। इस तरह से आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। अब मैं तो इसमें कर रही हूँ, इडली मेकर में जो होता है उस स्टीमर में इसको अरेंज कर रही हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये हमारे पास जो ढक्कन है, ये इसको दे के हम माइक्रोवेव में इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखिए, मैंने माइक्रो मोड पर 5 मिनट के लिए इसको अपने ओवन को सेट कर लिया। अब मैं इसको इसमें रख दूंगी 5 मिनट के। अब हम 5 मिनट के बाद इसको देखेंगे, फिर हम 3 मिनट और रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे 5 मिनट हो गए हैं माइक्रोवेव में इसको रखे हुए। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, फिर 3 मिनट के लिए और करेंगे, फिर मैं अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे 5 मिनट कंप्लीट हो गए। काफ़ी गर्म होता है, इसको ध्यान से उतार। अभी हम इसको ज़रा ठंडा होता है फिर खोलते हैं। ये देख सकते हैं, अभी ये कच्ची है अरबी, अभी ऑलमोस्ट हुई नहीं है। इसको हम 3 मिनट अभी और रखेंगे, उसके बाद हम इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मेरे 8 मिनट हो गए हैं कंप्लीट ऑलमोस्ट। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अगर नहीं होगी तो हम इसको 2-3 मिनट और रखेंगे। अगर आपकी छोटी अरबी है तो 8 मिनट में एग्जैक्ट आपकी हो जाती है। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए, अभी 8 मिनट मैंने रखी है, जो छोटी है वो कई तो काफ़ी हो गई है। देख सकती हैं इसमें कांटा चला गया, क्योंकि अरबी पे डिपेंड करता है। जो मोटी है अभी वो नहीं हुई है, तो हम से कम इसको 3 से 5 मिनट और रखेंगे। ये देखिए, ये भी हो गई है, ऑलमोस्ट काफ़ी हो गया 8 मिनट में। इसको 8 से लेके, अगर छोटी आपकी साइज़ की अरबी, इतनी साइज़ की अरबी है तो उसको 8 मिनट ही लगेंगे। अगर ऐसी अरबी है तो इसको 10 से 12 या 15 मिनट भी लग सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि ये वाली अरबी मेरी, अभी इसको मैं 5 मिनट और रखूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँ। देखिए, मैंने 5 मिनट और सेट कर दिया इसको,
अब मैं इसको रख देती हूँ, फिर मैं टोटल मेरे 13 मिनट हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे इसकी क्या कंडीशन। मैंने अब इसको 15 मिनट माइक्रोवेव कर लिया है, 5 मिनट पहले, 3 मिनट बाद में और 7 मिनट बाद में। तो अब ये मेरे टोटल 15 मिनट हो गए। अब हम इसको देखते हैं कि इसके क्या कंडीशन है। अभी मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, टोटल मैंने इसको 15 मिनट स्टीम करा है ये अरबी को। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गल गई है मेरी। मैं अभी आपको छील के भी दिखाऊंगी। ये देखिए, कई अरबी होती है ना जो सख्त होती हैं, तो वो कई बार नहीं गलती। आप कुकर में भी उबालेंगे तो वो नहीं गलती। इसलिए आप जब अरबी लें तो छांट के और छोटी साइज़ की, एक साइज़ की लें तो फिर माइक्रोवेव में 8 से 10 मिनट में ही उबल जाती हैं। ये मेरी काफ़ी हद तक, कोई कोई जो ख़राब है वो नहीं उबली, बाकी सब उबल गई। अभी मैं आपको छील के अभी दिखाती हूँ। हम पहले इसको ठंडे पानी में डालते हैं। अभी काफ़ी गर्म है इसलिए मैं इसको ठंडे पानी में अभी इसको डाल देती हूँ, फिर हम इसको छील के आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सारी मेरी अरबी गल चुकी है। टोटल मैंने 15 मिनट में इसको गलाया है। ये देखिए, मोटी अरबी है। अगर आपको लगता है अभी भी थोड़ी इस पर कसर है तो आप एक मिनट टर्न टेबल में वैसे भी रख के इसको अरबी को पका सकते हैं, और इसमें पानी भी नहीं जाएगा और गलेगी भी नहीं बुरी तरह से जैसे कुकर में हो जाती। ये हमारी सारी गल चुकी है। हम इसको एक साइड पे रखते हैं, मैं आपको छील के दिखाती। ये देखिए, अब हाथ से भी छील सकते हैं और छुरी से भी छील सकते हैं। ये देखिए, इतनी इजीली इसका छिलक उतर रहा है। अगर आप इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे तो जो इस पे कसर होगी वो भी अपने आप इसकी पक जाएगी। टोटल 15 मिनट लगेंगे आप। बड़े आराम से इसका छिलक उतर जाता है। अगर आपको हाथ से ना उतरे तो आप छुरी से आराम से उतार सकते हैं। छोटी अरबी होती है वो बहुत जल्दी, कम से कम उसमें 8 से 10 मिनट में उबल जाती है। ये थोड़ी हमारी बड़ी अरबी थी इसलिए हमारे को ये इसमें 15 मिनट लगे। अगर हम 1 मिनट और रखें तब भी चल जाएगा हमारा। ये देखिए, बड़े आराम से ये उतर रही है। हम अभी जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो थोड़ी देर पड़ा रहने दें तो बड़े आराम से ये उतर जाएगी। मैं आपको दिखाने के लिए छील रही हूँ। ये देखिए कितने आराम से उतर रही है। ऐसी प्रकार हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, बड़ी आसानी से कट रही है। इसी प्रकार ये भी मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये जी, पहले इसमें छिलका कम था वैसे भी अरबी में, तो ये बड़ी इजीली छुरी से उतर जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से गल गई है हमारी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने काट दी है। ये मैं बाद में अभी काटूंगी। ये देखिए, मैंने सारी इसको काट लिया ऑलमोस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अरबी काट ली है और बड़ी इजीली ये कट गई है। अगर दो मोटे पीस हैं तो 2-4 मिनट इसको पड़ा रहने दें, तो उसके बाद आप इसको काट सकते हैं। इसी तरह आप प्लीज़ माइक्रोवेव का यूज़ कीजिए। आलू और अरबी उबालिए। आप इसको पॉलिथीन में भी उबाल सकते हैं, उसमें आपको 10 मिनट लगेंगे। पॉलिथीन बैग को आप प्रिक करना पड़ेगा आपको कांटे से, ताकि ये फटे ना वो।
और पहले भी मैंने आपको आलू उबालने सिखाए थे तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ये मेरे पास अरबी है, तो आप उबालिए, अपनी लाइफ को ईजी कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।